डियर दो कर्मा मोहब्बत, इतने साल बीत गए तुझसे मुलाकात नहीं, तुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता लेकिन लड़की की अपॉइंटमेंट ही नहीं, कभी रुचा प्रॉब्लम तो कभी कमिटमेंट। और चलो बाय चांस अप्रूवल आ भी जाता है तो लड़की का थोड़ा इश्यू रहता है, वो ही कास्ट या रिलीजन का भी प्रॉब्लम रहता है। तू ना आज तक सिर्फ मूवीज में, टेलीविजन सीरियल्स में, नॉवेल स्टोरीज में पाया गया है, साची बात सुन। जैसे एक्टर्स होते हैं जो रियल लाइफ के रोल निभाते हैं, वैसे तू भी कैरेक्टर है उनकी मूवी का। हर एक मूवी में लड़का लड़की को प्यार हो भी जाता है, उनके परिवार वाले शादी के लिए मान भी जाते हैं, लेकिन कोइंसिडेंटली वो लोगों के कास्ट या तो सेम होते हैं या डायरेक्टर साहब को परवाह ही नहीं होती। हाउ पुलिस ये मैं भी तुझ में पहले बिलीव रखता था, बल्कि मुझे प्यार हो सामने वाले शख्सियत का जिससे तुम्हें प्यार कर, तुम जिससे तुम प्यार करते हो उसका 100% हाँ में जवाब ना आ जाए तब तक वो हाँ जवाब सुनने वाले के लिए झूठे ख्वाब की तरह रहता है। तू ख्वाबों में मोहब्बत तक नहीं, शादी, बच्चे, परिवार तक के भी झूठे सपने दिखाए जा रहे। तू ना इतना सक्सेसफुल नहीं रहा अपनी लाइफ, तो भी स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह ही। शाहरुख खान तभी तो शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर ने भी एक तरह मोहब्बत की तारीफ की है। और लड़का लड़की दोनों को दो तरह मोहब्बत हो भी जाए तो वो समझ लो कि बस दो पल का मुकाम क्योंकि कुछ दिन बाद जब प्यार ही पाए को ऊपर अपने बॉस यानी अपने मॉम डैड को पहुंचाने की बात आती है तब शायद लड़की कहेगी मेरे परिवार वाले नहीं। और अगर लड़की कॉन्फिडेंट है तो लड़का कहेगा आई थिंक इट्स मतलब जहां कोई ईमानदार साबित होता है वहां ये प्यार करने वाले बेईमान निकलते। चल कोई नहीं यार, होता है, स्ट्रगल कर आगे बढ़, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा और एक तरफ मोहब्बत को मान ले। थैंक यू।